अगले दिन मैंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। केनाई और उसका झुंड उस जगह के पास ही एक ताल से पानी पी रहा था जहां बाघिन ने अपना शिकार छिपाया था। मुझे लग रहा है कि सड़ते गोश्त की तेज गंध ही उन्हें यहां तक खींच लाई है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने तो अब तक यही देखा है कि केनाई बाघों से दूर रहती है। पिछली बार जब ये एक बाघ से उलझे थे तो केनाई का साथी मारा गया था। बड़े कुत्ते बाघिन को थका रहे हैं ताकि पिल्लों को भागने का वक्त मिल जाए। झुंड में आए इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है दो नए दबंग नर माचा और बिगडा। बाघिन को अपने बच्चों का पेट भरना है, इसलिए वो अपने शिकार को आसानी से छोड़ नहीं सकती, ना ही इस झुंड को अपने इलाके में रहने दे सकती है। इस मुठभेड़ के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि अब केनाई इस इलाके से दूर चली जाएगी, इतनी दूर कि ये झुंड बाघिन को नजर भी ना आए। लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। 3 दिन बाद ही केनाई और उसका झुंड न सिर्फ उस इलाके में लौट आया बल्कि वो उसी तालाब पर भी आया। मैं केनाई के रवैये से हैरान था। बाघों की वजह से उसने जिस तरह से अपनों को खोया है, उसके बाद उसका इस तरह से उनके करीब आना अक्लमंदी है क्या? ये शायद इन शिकारियों का अपने इकोलॉजी का संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा। इन दोनों प्रजातियों का विकास साथ में ही हुआ है और दोनों का भोजन स्रोत भी एक ही है। साथ रहना दोनों प्रजातियों की मजबूरी है और उसके लिए उन्हें जोखिम भी उठाने हैं। मॉनसून बीता जा रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि झुंड के सारे पिल्ले जिंदा हैं। अब वो 9 महीने के हो चुके हैं। हर खतरे का सामना करके केनाई ने इन बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। हालांकि इस झुंड में कई माहिर शिकारी हो गए हैं, लेकिन आज भी सबसे आगे केनाई ही रहती है। अब तो इस हिरण को कोई नहीं बचा सकता। अब इसका झुंड काफी बड़ा और शक्तिशाली हो गया है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में केनाई जंगली कुत्तों की एक सबसे शक्तिशाली टोली की महारानी है। वैसे तो अभी यहाँ सब खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन हर बार वो सच नहीं होता जो नजर आता है। अभी भी इन्हें कई समस्याओं का हल ढूंढना है। केनाई की बेटी चोटी और बिगडा के बीच रोमांस अपने चरम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब एक नई टोली बनाने की ताक में है? लेकिन चू किसे छोड़े? लेकिन एक बात तो है, चूंकि अभी पूरी तरह से केनाई के दबदबे में है। अब देखना यह है कि क्या आगे चलकर भी चूंकी इस दबदबे को बर्दाश्त करेगी जब वो फिर से मां बनने को तैयार हो जाएगी। लेकिन केनाई को अब कुछ ना कुछ करना ही होगा।
उसने बड़ा लंबा सफर तय किया है। जब वो सिर्फ एक साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई, फिर वो अकेली ही अपनी दुनिया की खोज में निकल पड़ी। लेकिन खोज करने वालों के पीछे पीछे खतरे भी चलते हैं। अपनी जिंदगी के इस सफर में उसने बाघों का सामना किया, कुत्तों के बड़े झुंडों से टकराई, अपनी बेटी का सामना किया, आग से लड़ी, लेकिन इन सब के बाद भी डटी रही। कमाल की जीव है ये। अब ये झुंड काफी बड़ा और शक्तिशाली हो गया है और इसलिए बड़े शिकार की तलाश में रहता है। लेकिन अब इन्हें जंगल से जरा भी डर नहीं लगता। लेकिन क्या इन्हें वाकई डर नहीं लगता? इतने साल से जंगली कुत्तों के पीछे पीछे जरूरी है। पांच बाघ भी हैं, एक माँ और उसके चार बच्चे, जिनसे निपटना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। केनाई को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके बच्चे सही सलामत रहें। हाँ, एक बात तो तय है कि इस खतरनाक इलाके में अगर कोई सही जगह तक पहुंचा सकता है तो वो है केनाई। तमाम चुनौतियों का सामना करके भी बचा रहने वाला ऐसा जीव मैंने नहीं देखा। वो अब जंगल की महारानी है और मुझे तो उससे बड़ा ही खास लगाव हो गया है। ये है केनाई, जंगल की लाल रंग की महारानी। इसमें नए ढंग से जिंदगी जीने की हिम्मत है। उम्मीद है इसका ये जीवट कायम रहेगा।